ऐसे आदमी होते हैं उनकी क्लियर हिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन उनका आतंक बिल्कुल रहता है, मनवर टाइप का है। तो उनके बारे में सामान्य लोग जो है वो मुकदमा कराने को तैयार नहीं होते, उनके बारे में देखो कि ये मनवर व्यक्ति है, लोगों को डराता धमकाता है गाँव में, ये लोगों को डरा धमका के किसी पक्ष विशेष लोग डालने के लिए कहेगा, या होली के त्यौहार में ये कुछ गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेगा, बीच सूचना जरूर निकालेंगे, जैसे भी सूचना निकालेंगे वैसे ही तुरंत उसमें कार्रवाई करेंगे, ऐसे भी सूचना लगाएंगे कि सातपुरा के अंदर 10 लाख बावन कराएंगे, फिर आप लोगों की नौकरी जल्द शुरू आएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आज थाना एकौना में सैनिक सम्मेलन किया गया, साथ ही साथ चौकीदारों की मीटिंग भी की गई। इस सम्मेलन में सभी की समस्याओं को पूछा गया, जाना गया, और साथ ही साथ आईजी रेंज महोदय के आदेश पर कानून के बारे में साथ ही साथ अन्य समस्त सामान्य जानकारी इन सबको दी गई। इनसे ये भी इनको निर्देशित किया गया कि आने वाला जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, होली का त्यौहार है, इसमें अपने अपने बीट में हल्के में, और चौकीदारों को भी बताया गया अपने अपने गांव में कहीं पर भी अवैध शराब का निष्कर्षण न होने पाए, विक्रय न होने पाए, इसके अलावा कहीं पर अवैध मिट्टी का खनन, अवैध हरे वृक्षों का कटान, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि न होने पाए। इसके अलावा जितने सामान्य भूमि विवाद हैं, रंजिश के विवाद हैं, उन सबको चिन्हीकरण के लिए भी बताया गया। इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक महोदय गोरखपुर जोन के निर्देश के क्रम में सभी बीट आरक्षियों को बीट व्यवस्था के बारे में, बीट प्रणाली के बारे में और पुलिस महानिदेशक के परिपत्र संख्या 1/2020 को विधिवत पढ़ करके सुनाया गया, उनको समझाया गया, और उसके आदेश के क्रम में बीट बुक बनाने के लिए और अपनी बीट की समस्त जानकारी उसमें नोट करने के लिए, संकलित करने के लिए बताया गया। तो इस प्रकार की आज ये तीनों वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश क्रम में आज की ये मीटिंग की गई है, और इनको आने वाले त्योहारों के बारे में, पंचायत चुनाव के बारे में सतर्क रह करके ड्यूटी करने के लिए बताया गया, जिससे कि ये त्योहार और पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। कितने वोट से जीते थे? 64। अब तक अभी डिसाइड नहीं हो रहा होगा किसका भी है, हो जाएगा दो चार दिन। और होली कहाँ, यहाँ होली सर गांव में, उधर जो इसे सिदंगिया मोड़ से आने के बाद जो है कालबोड़ा गांव की होली में, इसका कोई जुलूस तो नहीं चलता? ना जुलूस यहाँ कोई नहीं चलता। होली को लेकर कभी कोई विवाद हुआ? नहीं हुआ।